अयि छात्राः मधुआप द्वारा आयोजितम् अद्यतन संस्कृत कालांशं प्रति युष्माकं स्वागतम्। तो पिलामाने आम्भे माने गत कालांशरे व्यंजन संधि उपरे आलोचना करिथिले, आजि विसर्ग संधि उपरे आलोचना करिबा। अच्छा तम मान तो जानिछ संधि होचे तीन प्रकार, स्वर व्यंजन विसर्ग एमंत संधि प्रकार अटे जुकत। पिला माने आम्भे माने समस्ते जानिचे संधि तीन प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। आम्भे माने गत कालांशरे व्यंजन संधि विषय रे पढ़ीछे, आजि पुंखानुपुंख भावे विसर्ग संधि विषय रे पढ़िबा। पूर्व पद से थिव अकार पर पद आद्य थिव अकार पूर्व पद से थिबा अकार र ओकार होई जीव पर पद आद्य थिबा अकार र खंड अकार होईब। सूत्र को देखिबा, यदि पूर्व पदर शेषरे अकार थिबो, पर पदर आद्यरे जदि अकार थिबो, ताहाले अकारर ओकार हिजिबो एवं पर पदरे थिबा अकारटि खंड अकार भाबरे रहिबो। अकारर लोप चिन्ह हेउछि खंड अकार। उदाहरण को जिबा, सहयुक्त अहम पूर्व पद सह एठारे अह अछि, परपद अहम आद्यरे अ अछि, पूर्व पदर सकाररे थिबा अकारर ओकार हेगला एवं अकार मिसिगला सोहम हेला, परपदरे थिबा अकारटी खंड अकार भाबरे रहिगला। ठीक सेहिपरि बाळह युक्त अयम बाळोयम पूर्व पद से अकार थिव मृदु व्यंजन पर पदे थिव अकार र होइ जीव ओकार मृदु व्यंजन रही जीव स्थिर। पिला माने एठारे गोटे पद आसुछि जे मृदु व्यंजन। मृदु व्यंजन कौन? ए सब व्यंजन वर्ण गुड़िक उच्चारण कला बेले कौनसी कष्ट उच्चारण हेउनी, कष्ट अनुभव आम्भे माने करुनु, तेणु एगुड़िक हेले मृदु व्यंजन। ग घ म ज झ ञ ड ढ ण द ध न ब भ म ह य व र ल, ए गुड़िक हेउछन्ति मृदु व्यंजन। वर्तमान सूत्र को देखिबा, जदि पूर्व पदर शेषरे अकार रहिछि, जदि पर पदर आद्यरे मृदु व्यंजन रहिछि, एहि सबु मृदु व्यंजन वर्ण गुड़िक मध्यरु गोटिए वर्ण रहिछि, ताहेले पूर्व पदर शेषरे थिबा अकारर ओकार आदेश हे जाउछि। उदाहरण देखिबा, एकह देवह पूर्व पद एकह, ए पूर्व पदर शेषरे अकार रहिला एवं पर पद देवह तार आद्यरे दकार रहिला, दकार हेउछि मृदु व्यंजन, ताहले संधि हेइ पूर्व पदर शेषरे थिबा अकारर ओकार आदेश हेगला, एको देवह हला। सेहिभली पिला माने उदाहरण दुई की जीवा, भूयः भूयः। अच्छा कौन हम कहिल? ठीक कहिछ, भूयो भूयः। भूयो भूयः। आउ एक उदाहरण को जीवा,
केशव युक्त बा। अच्छा कौन हम कहिल ठीक कहिल केशव बा केशव बा। ये हला संधि पूर्व पद से थीव अकार पर पदे अकार भिन्न स्वर अकारु विसर्ग लोप होइबो पिले एक था जानी था ध्रुव। वर्तमान सूत्र को देखिबा यदि पूर्व पदर शेषरे अकार रहिला एवं पर पदर आद्यरे जदि अकार भिन्न अन्य स्वरवर्ण मध्यरु गोटिए स्वरवर्ण रहिला ताहाले विसर्ग लोप हो जाए पूर्व पदर शेषरु विसर्ग लोप हो जाए। उदाहरण देख भीम आगत एठारे भीम पूर्व पद शेषरे अकार रहिछि पर पद हला आगत अकार भिन्न अकार नथाई अन्य स्वरवर्ण मध्यरु गोटिए स्वरवर्ण आकार रहिछि ताहाले पूर्व पदर शेषरे थिबा विसर्गर लोप होइ जाउछि एवं संधि होई भीम आगत होइछि। परवर्ती उदाहरण को देखिबा राम उवाच। अच्छा कहिले कौन हम संधि राम उवाच पूर्व पदर थिबा विसर्ग लोप हो जाउछि। परवर्ती उदाहरण देखिबा राम ऐच्छत संधि कले कौन हम ठीक कहिछ पूर्व पदर विसर्ग लोप हो जीव राम ऐच्छत है। पूर्व पद से आकार थीव मृदु व्यंजन पर पदे थीव आकारु विसर्ग लोप होइब पिले एक था जानी था ध्रुव। वर्तमान सूत्र उपर आलोचना करिबा यदि पूर्व पदर यदि पूर्व पदर शेषरे आकार थिबो पर पदर आद्यरे जदि मृदु व्यंजन थिबो ताहाले पूर्व पदर शेषरे थिबा आकाररु विसर्गटी लोप होइजो। आमे माने टिके तळे पढ़ीथिले पिले ए गुड़ी कहउछंती मृदु व्यंजन पर पदर आद्यरे एही मृदु व्यंजन वर्ण गुड़िक मध्यरु जदि गोटिए थाए एवं पूर्व पदर शेषरे जदि आकार थाए ताहाले आकाररु विसर्गटी लोप होइजाए। उदाहरण देखिबा मेघाह गर्जंती मेघाह पूर्व पद शेषरे आकार रहिछि पर पद हला गर्जंती आरंभरे गकार अछि मृदु व्यंजन ताहाले पूर्व पदर शेषरे थिबा विसर्ग लोप होइजिव संधि हेले मेघा गर्जंती हेबो। ठीक सेहिबळी अनेक उदाहरण को जीवा मयूराह नृत्यंती पूर्व पद मयूराह शेषरे आह अछि पर पद नृत्यंती आद्यरे मृदु व्यंजन नकार अछि पूर्व पदरे थिबा आकाररु विसर्ग लोप होइ जाइछि मयूरा नृत्यंती होइछि। अनेक उदाहरण को जीवा बिहगाहा डयंते संधि कले कौन हम पिला माने ठीक कहिछ बिहगा डयंते
अकार आकार भिन्न अन्य स्वर पूर्व पदे रही थिव। तापरे विसर्ग थाई पर पदे जे कौनसी स्वर थिव। विसर्गर होई जीवर कार पिले बुझ मन करीन स्थिर। वर्तमान सूत्र उपर को टिके जीवा यदि पूर्व पदर शेषरे अभिन्न कौनसी स्वर रही थिव तापर जदि विसर्ग लगि पर पदर आद्यरे जे कौनसी स्वर रही पूर्व पदरे जो विसर्ग थिव तार रकारादेश हे जीव। वर्तमान उदाहरण को देखिबा नृपति ही अगच्छत एठारे नृपति ही पूर्व पद तार शेषरे ई अच्छी ई अभिन्न अन्य एक स्वर तापरे विसर्ग रही पर पद अगच्छत यार आरंभरे स्वरवर्ण अकार रही संधि हेले पूर्व पदरे थिबा विसर्ग रकार हिजिव संधि हब नृपति रगच्छत। सेहीपरी द्वितीय उदाहरण को देखिबा कवि ही अलिखत एठारे कवि ही पूर्व पद शेषरे इकार रही विसर्ग रही अलिखत पर पद आद्यरे स्वरवर्ण रही ए दुईटर संधि हेले पूर्व पदर शेषरे थिबा इकार परस्थित विसर्गर रकार आदेश हिजिव कवि रलिखत हेब संधि कले। वर्तमान तृतीय उदाहरण को देखिबा सुधी ही युक्त एसह। अच्छा पिला मने कहिलो संधि केमती हेब ठीक कहिलो सुधी रेसह सुधी रेसह। अन्य उदाहरण को जीवा प्रभु उबाच एठारे संधि कले प्रभु रुबाच प्रभु रुबाच। आमे तो वर्तमान विसर्ग संधि उपरे किछि आलोचना कले वर्तमान तुम्ह मानक पाई किछि प्रश्न रखा जाइछि तुम मान समस्ते उत्तर देवा पाई चेष्टा करिबो। प्रथम प्रश्न संधि विच्छेदम कुरुत एई पद गुड़िक तुम मानक दिया जाइछि एई पद गुड़िकर संधि विच्छेद करिबो। शिवोहम संधि विच्छेद कले कौन हबो ठीक कहिछ शिवः युक्त अहम वर्तमान द्वितीय प्रश्न को जीवा कुतोयम यार विच्छेद कले कौन हेबो कुतः युक्त अयम। अनेक प्रश्न को जीवा वर्तमान नमो पित्रे यार विच्छेद कले कौन हेबो ठीक कहिच नमः युक्त पित्रे। ता परवर्ती प्रश्न स उत्तिष्ठति यहाँ को विच्छेद कले कौन हेबो ठीक कहिच सह युक्त उत्तिष्ठति। वर्तमान आउ किछि प्रश्न तुम मानक पाई अछि संधि विच्छेद उपरे आमे किछि प्रश्न आलोचना कले वर्तमान संधि विधान करिबा।
बालिका अनृत्यन। संधि कले कौन है बालिका अनृत्यन। परवर्ती प्रश्न मेघाहा गर्जंती, यहाँ को संधि विधान कले कौन है मेघा गर्जंती। मेघा गर्जंती। ता परवर्ती प्रश्न कवि ही युक्त अयम, संधि कले कौन है कवि रयम। वर्तमान पिला माने एही विसर्ग संधि उपरे आजर कालांशरे किछि आलोचना कले। आज पई एतिकी, धन्यवाद।